पूरा फुल सिस्टम 40,000 का एग्जॉस्ट मिलेगा। ये हो गया P3 32,000 में। Alright, so hey youngsters, what's up? It's your boy Junior and I do with the new video. So guys, हम लोग फिर से आ चुके एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ वापस। एंड काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा था। एंड अभी तो मैं डेली ब्लॉग्स कर रहा हूँ, मतलब डे टू बैक मैं ब्लॉग देने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मतलब काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहा था, तो मेरा काफ़ी सारा व्यूज़ ड्रॉप हो चुका है। काफ़ी सारा मतलब वीडियोज़ में व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है। अभी कॉल मैं डेली अपडेट नहीं था, वो मेरा गलती था, मैं थोड़ा आलसी हो गया था, इसीलिए मतलब वीडियो वगैरह एडिट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को डेली अपडेट दे सकूँ। एंड आज का वीडियो जो है, हम लोग जा रहे हैं सेकेंड हैंड बाइक शोरूम, बिकॉज काफ़ी टाइम से आईफोन एंड बाइक शोरूम्स का मतलब ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा था। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो मैं सेकेंड हैंड कार शोरूम्स का भी वीडियो लेके आऊँगा। तो आज तो हम लोग चलेंगे नॉर्थ ईस्ट ऑटो वर्ल्ड, जो कि काफ़ी महीना पहले मैंने एक शूट किया था एंड उसमें व्यूज़ एंड रेस्पॉन्स बहुत तगड़ा आया था। तो आज भी जाएंगे एंड देखते कि कैसे क्या आया, कैसे क्या बाइक से कैसे दी। एंड कल देखा था तो मैं उधर एरोक्स भी था, जो कि बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है एंड वो सेकेंड हैंड स्टोर में आप लोग को मिल भी जाएगा एफोर्डेबल प्राइसेस में। तो वही, तो अभी जाते हैं, देखते हैं। एंड आप लोग को मेरा एंटॉक का कुछ बोलने वाला, तो आप लोग देख सकते हो मेरा एंटॉक में भी काफ़ी कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है, मतलब इतना भी नहीं, ये सब देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कि बस डबल जैसे वाइजर रहता है बाइक में, वैसा ये एंटॉक पे लग जाता है। देन लाइटिंग्स हो गया, तो इधर स्विच वगैरह मैंने फिट किया हुआ है एंड नीचे पे ये लाइट जलता है, जो कि अभी दिन में विजिबल नहीं होगा। बट अगर आप लोग नोटिफिकेशन वीडियो चाहते हो तो नोटिफिकेशन वीडियो थोड़ा शाम को शूट करेंगे। एंड क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है लाइटिंग में एंड क्या क्या मैंने करवाया है, क्या क्या फिट करवाया है, वो सारा मतलब एक पार्टिकुलर वीडियो रहेगा एंटॉक पे। एंड एंटॉक का माइलेज टेस्ट हो गया, फिर रिव्यू हो गया, वैसा टाइप का भी वीडियो लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हो तो जाके कॉमेंट करो। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं एंड देखते हैं कि कैसा क्या सीन रहता है क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये सो फाइनली हम लोग नॉर्थ ईस्ट ऑटो वर्ल्ड तक पहुंच चुके हैं। तो आप लोग को शायद से मेरा पहला वाला वीडियो में आप लोग ने देखा है शायद, कि ये पहले चांदमारी में था शायद से ना, पहले चांदमारी में था, अभी ये आया है मतलब एफसीआई का ठीक ऑपोजिट में, जो कि आप लोग न्यू गुवाहाटी भी बोल सकते हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट ऑटो वर्ल्ड जो है वो न्यू गुवाहाटी साइड में है। तो ज़रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, भैया का नंबर भी रहेगा। तो भैया आज कौन सा बाइक से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले R15। ये R15 कौन सा मॉडल है? 2019 का मॉडल है। 2019 मॉडल है। इसका आस्किंग प्राइस कितना है? 1,25,000। 1,25,000 एंड बार्गेन तो हो जाएगा शायद से, नेगोशिएट थोड़ा बहुत हो जाता है। एंड ये है RC 200, इसका प्राइस आएगा 1,65,000। 1,65,000। ईयर कौन सा है? 2021। मतलब सिर्फ एक साल या दो साल पुराना है ये, सिर्फ 1.5 साल पुराना है। अभी आता है MT 15 BS6 मॉडल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। तो इसका कौन सा मॉडल का है, कौन सा ईयर है? 20 लास्ट का मॉडल है। इसका आस्किंग प्राइस 1,38,000। फिर आते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि इधर एरोक्स भी मिलता है। तो एरोक्स लॉन्च हुआ सिर्फ कुछ ही साल हुआ है, फिर 1 साल तक हुआ है सिर्फ, तो ये भी आ चुका है इधर। तो इसका आस्किंग प्राइस कितना है? 1,38,000। 2022 मॉडल है शायद से। हाँ, 2022 मॉडल है, सिर्फ 1 साल पुराना है, या फिर 1 साल भी नहीं शायद से ना, 8-9 मंथ्स ओल्ड है। तो देख सकते हो इधर एरोक्स वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को। केस होगा, इस सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि ये वाला जो R15 है, इसमें मतलब आप लोगों को योशीमुरा का एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा साथ में। इसका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं है ना, ये बिल्कुल बाइक के साथ ही मिलेगा योशीमुरा का एग्जॉस्ट। तो आप लोगों को योशीमुरा का एग्जॉस्ट के साथ ही R15 मिलेगा। तो देख सकते हो बिल्कुल मतलब ये फुल सिस्टम है शायद से, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है। एंड मतलब फुल सिस्टम एग्जॉस्ट का मतलब कितना कॉस्टिंग कितना आ जाता है? मतलब ये अराउंड आपका जो कस्टमर हम लोग को बोला था जिससे लगा था 40,000 का आसपास गया, 40,000 का मतलब पूरा फुल सिस्टम 40,000 का एग्जॉस्ट मिलेगा। तो आप लोग देख ही सकते हो। इसका बाइक का प्राइस कितना बोले थे? 1,25,000। 1,25,000। तो बाइक से ज़्यादा तो एग्जॉस्ट का ही प्राइस है, लेकिन इतना लो प्राइस में आप लोग को मिल जाएगा R15। तो V3 है ये। फिर आता है ड्यूक 125 पे। सो देख सकते हो। तो ये कितना प्राइस आ जाएगा इसका? इसका 1,08,000। फिर MT देख सकते हो एमटी का सारा एक ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। नहीं नहीं, ये आ जाएगा 1,28,000। फिर वो उधर भी R15 P3 1,30,000। फिर इधर डोडो ड्यूक 200 रखा हुआ है। BS कौन सा? BS4 मॉडल है दोनों ही। एंड प्राइस ये आ जाएगा 1,20,000। ये आ जाएगा 1,28,000। इसका मतलब कंडीशन थोड़ा ज़रा अच्छा है उससे। मतलब दोनों का ही अच्छा है। ये नॉन ABS है, ये ABS मॉडल है। फिर RS हो गया। फिर RS का कितना प्राइस हो जाएगा? ये 1,25,000। ये भी 1,25,000। कलर ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है। फिर आता है हिमालयन पे, जो कि टूरिंग के लिए सबसे बेस्ट बाइक है। इसका प्राइस वो आ जाएगा 1,65,000। सबसे डिमांडेड बाइक आज का वीडियो का मतलब ये सबसे मतलब आज का मतलब हाई सीसी का बाइक यही है। यही है, सब कोई हाई तो फोन ही करते हैं। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 1,95,000। ड्यूक 390 BS4 मॉडल 23,000 रनिंग। हाँ, देखने में लग रहा है कि बिल्कुल मतलब अच्छा कंडीशन में। एंड जिन लोगों को मतलब अभी तो इधर वॉशिंग पॉलिशिंग सब तो सर्विस मतलब इधर से ही प्रोवाइड कर देते हैं, सब इधर ही हो जाता है। एंड जिन लोगों को रॉ पावर चाहिए रॉ इंजिन के साथ, उन लोग के लिए बेस्ट बाइक है ड्यूक 390 BS4 मॉडल। सो KTM का यही तक था। फिर अभी अंदर जाते हैं। अंदर भी बहुत ज़रा हैवी स्टॉक में रखा हुआ है। ऐसा ऐसे गोडाउन में भी है रखा हुआ। हाँ, गोडाउन में तो आप लोग अंदर का सीन चेकआउट कीजिए, फिर गैस कीजिए कि गोडाउन में कितना हो सकता है। सो गाइस, जिन लोगों को मतलब माइलेज फ्रेंडली बाइक चाहिए, ग्लैमर हो गया, ग्लैमर से स्प्लेंडर सब मिल जाता है इधर। तो इधर देख सकते हो एवेंजर्स भी रखा हुआ है। एवेंजर का प्राइस कितना जाएगा? 75,000। मतलब ये सब बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में रखा हुआ है। फिर स्प्लेंडर, जिन लोगों को मतलब काफ़ी लोग स्प्लेंडर के लिए मेरे को कमेंट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा प्राइस? 58,000 स्प्लेंडर का। फिर हो गया पल्सर, ये कौन सा है? 125 मॉडल 78,000 32,000 में। तो ये हो गया P3, ये भी 1,25,000 में। देन हिमालयन हो गया, ये हिमालयन 1,45,000। फिर इसी तरह का मतलब प्राइस रेंज में रह जाता है सारा बाइक्स। तो देख सकते हो इधर ये वाला पल्सर 38,000 में पल्सर। फिर 220 शायद से नहीं, ये दोनों ही 220, ये 180 है। और BS6 220 भी अवेलेबल है, जो कि गोडाउन में रखा हुआ है। नहीं, गोडाउन में बाहर में रखा हुआ है। ओके, तो इधर अपाचे भी है। अपाचे भी काफ़ी लोगों को चाहिए। तो इसका प्राइस कितना जाएगा अपाचे का? 75,000। फिर देख सकते हो कितना बड़ा मतलब काफ़ी हैवी स्टॉक में इधर ही रखा हुआ है। एंड आप लोग गेस कर सकते हो कि गोडाउन में कितना ज़्यादा रखा हुआ होगा। तो जिन लोगों को स्कूटर चाहिए, उन लोगों के लिए ग्राजिया वगैरह भी है। तो ग्राजिया का कितना आ जाता है प्राइस? तो आ जाएगा तुम्हारा 58,000। सेम ही प्राइस है दोनों का। फिर डियो, ये 55,000। ये आ जाएगा 48,000 में, ये वाला डियो। देन रे यामाहा का, ये 2020 का मॉडल है, 55,000 इसका। ये आ जाएगा तुम्हारा 52,000। देन एप्रिला आता है। एप्रिला कौन सा? 150। तो इसका प्राइस कितना आ जाता है? 55,000। देन FZ, ये आ जाएगा, ये BS6 मॉडल है, 2021 लास्ट मॉडल है, 2021 का लास्ट मॉडल है। इसका प्राइस आ जाएगा 92,000। फिर इधर वेस्पा भी रखा हुआ है 62,000 वेस्पा का। फिर वेस्पा का और एक मतलब वाइट कलर पे भी रखा हुआ है, ये भी 65,000। फिर काफ़ी लोगों को मतलब एंटॉर्क भी चाहिए, बिकॉज 125cc में बेस्ट स्कूटी है। तो इसका प्राइस कितना आ जाता है? 62,000 78,000 2021 मॉडल। फिर ये अप्रिला 65,000। सो अंदर का मैंने जितना सारा प्राइस था, जितना वो कवर हो सके वो कर दिया। फिर अभी बाहर जाते हैं, देखते हैं कि एनफील्ड वगैरह भी रखा हुआ है। सो उस सब का भी प्राइस जानते हैं। रॉयल एनफील्ड का भी आपको सारा बाइक मिल जाएगा। ये मेटियोर 350 है। सो इसका प्राइस कितना जाता है? 1,65,000। एंड कुछ दिन पहले मैंने आया था एक दोस्त के साथ, तो उधर 95,000 में भी एनफील्ड मिल रहा था। हाँ, अभी भी मिलेगा ना 78,000 में। तो देख सकते हो कितना मतलब प्राइस लो रेट में आप लोग को इधर मिल जाएगा। तो ये भी एकदम बिल्कुल शाइनिंग कंडीशन में है, ये क्रोम कलर पे है। तो इसका प्राइस कितना जाता है? ये 1,55,000 में मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज पे एनफील्ड। मतलब ये सारा कितना मॉडल का है? कोई 21 का मॉडल है, कोई 18 का मॉडल है, कोई 20 का मॉडल है, कोई 19 का मॉडल है। 19 से मतलब 22 का बीच में ही है सारा मॉडल। सो अभी आप लोग को एग्जॉस्ट का साउंड चेकआउट कर रहे थे R15 P3 का। तो वैसे अभी आप लोग P3 का साउंड चेकआउट कीजिए। इसका साउंड बिल्कुल मतलब फुल सिस्टम के साथ मतलब साउंड बिल्कुल मतलब ये रिएक्शन के लिए भी सबसे बेस्ट है ये वाला एग्जॉस्ट योशिमुरा का। जैसे पल्सर का हर मॉडल रखा हुआ है, एन एफ जी का देख सकते हो पूरा लाइन अप करके। तो इसका कितना है? इसका प्राइस आ जाएगा तुम्हारा 92,000। कौन सा मॉडल है ये? 2019 मॉडल। ये आ जाएगा BS6 95,000 में 220 पल्सर। इसको ऐसी तरह एफजी वगैरह भी रखा हुआ है। 250 है, 250 है। इसका प्राइस कितना आ जाता है? 85,000। देन BS6 है आपका, इसका भी आ जाएगा आपका 88,000। ये भी BS6 सारा, मतलब ये सब BS6 का ही है यहाँ से यहाँ तक। सिर्फ ये वाला ये भी BS6 है, BS4 मॉडल है। इसका 19 मॉडल है, 75,000। ओके सो गाइस, जिसके आप लोग ने सारा बाइक चेकआउट करी है एंड प्राइसिंग वगैरह भी मैंने बोल दिया। अभी भैया से पूछते हैं कि फाइनेंस वगैरह का क्या सीन है, कैसा क्या फाइनेंस का प्रोसेस है। तो भैया अभी आप लोग को समझा देंगे। तो फाइनेंस आपका हो जाएगा, मतलब जैसे कि सोच ले कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश का मतलब वहाँ तक फाइनेंस पूरा नहीं है, तो वहाँ का फाइनेंस मतलब। लेकिन कोई अरुणाचल प्रदेश का आदमी मतलब गुवाहाटी में 7 years 8 years से कोई रहता है, उसको कोई रेंट एग्रीमेंट देने से मतलब हम लोग उसका फाइल लगा के एक बार चेक कर सकते हैं। मतलब आना पड़ेगा एक बार, आके वो विजिट करने से मतलब कामरूप का लोकलशिप होना पड़ेगा तभी मतलब हो सकेगा। मतलब वो आदमी मिनिमम 7-8 years रहना पड़ेगा मतलब रेंट एग्रीमेंट होने से, तब हम लोग कुछ देख पाएंगे। वो ट्रस्ट का भी थोड़ा मतलब इश्यू रहता है कि कोई अगर लेके अगर ना दे फिर चले जाए, तो इसी कारण मतलब हर जगह मतलब फाइनेंस नहीं हो पाता है। तो यही था आज का वीडियो में। सो वही